टेलीविजन के पॉपुलर कपल नकुल मेहता और उनकी वाइफ जानकी पारेख इस वक्त सातवें आसमान पर हैं, क्योंकि उन्होंने शादी के 8 साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। जानकी और नकुल के घर 3 फरवरी को बेटे का जन्म हुआ था और नन्हे से मेहमान के जन्म के कुछ समय बाद इस कपल ने अपने बेटे के नाम का खुलासा भी किया था। नकुल और जानकी ने अपने इस नन्हे से राजकुमार का नाम सूफी रखा है। हालांकि दोनों ने अभी तक बेटे का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया था। नकुल और जानकी के फैंस इस नन्हे से राजकुमार की तस्वीरें देखने के लिए काफी बेताब थे, लेकिन अब फैंस का इंतजार फाइनली खत्म हो गया है। हाल ही में नकुल और जानकी ने फैंस को बेटे की पहली झलक दिखा दी है। हाल ही में नकुल ने अपने इंस्टाग्राम पर बेबी सूफी के साथ एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की है। इसमें नकुल सूफी को गोद में लिए हुए नजर आए। इस तस्वीर के साथ नकुल ने बड़ा ही मजेदार कैप्शन लिखा है। वह लिखते हैं, इनमें से एक जेंट्स टिंडर के सर्वर को क्रैश करने के लिए तैयार है। हालांकि इस तस्वीर में भी बेटे का चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन फैंस इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं और लाइक्स और कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं नकुल की वाइफ जानकी ने भी बेटे का एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में जानकी तो नजर आई, लेकिन उनका बेटा सूफी झूले पर झूलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में जानकी बेबी को सॉन्ग सुनाती हुई नजर आई। जानकी और उनके बेटे सूफी का यह प्यारा सा वीडियो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। Hey, बच्चो, are you listening to me? We'll sing a song together? We'll sing a song together. लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहां कहां ढूंढा तुझे, थकी है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आजा ना। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, ऑलराइट, आई लव यू। आपको बता दें, नकुल मेहता ने अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जानकी पारेख को करीब 9 साल तक डेट किया था और उसके बाद 2012 में बेहद धूमधाम से शादी की थी। और अब शादी के 8 साल बाद दोनों ने अपने नन्हे से सूफी का स्वागत किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।